ब्रेकिंग न्यूज है, क्रीमिया में एक बार फिर से हुआ है बड़ा धमाका। यूक्रेन ने क्रीमिया पर मिसाइल से किया है हमला। यूक्रेनी मिसाइल अटैक से दहला सेवास्तोपोल। मिसाइल अटैक में कई घरों को भारी नुकसान पहुंचा है। तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, क्रीमिया में हुआ है बड़ा हमला। यूक्रेनी मिसाइल अटैक से दहला है सेवास्तोपोल का इलाका। ये देखिए गोल घेरे में आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं। ये है वो बड़ा धमाका जो आसमान में नजर आ रहा है, सीधे सीधे जोरदार विस्फोट, चारों तरफ धुआं ही धुआं। क्रीमिया पर एक के बाद एक कई मिसाइलों की बौछार की गई है। एक के बाद एक कई मिसाइल अटैक से सेवास्तोपोल का पूरा इलाका दहल उठा है और कहा जा रहा है कि अब हो ना हो रूस इसका अब गंभीर परिणाम भुगतने के लिए अब प्लानिंग तैयार कर रहा है ताकि यूक्रेन को सबक सिखाया जा सके। इधर रूस यूक्रेन की जंग में रणनीति मोर्चे पर सबसे ज्यादा खतरा कहीं बढ़ा है तो वो है क्रीमिया का इलाका। यूक्रेन हर हाल में क्रीमिया पर कब्जा करना चाहता है, लिहाजा यूक्रेन लगातार क्रीमिया पर हमला कर रहा है। यूक्रेन ने 23 जून को ही ब्लैक सी के किनारे रिजॉर्ट पर ATACMS मिसाइल से हमला किया जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई और 150 से ज्यादा लोग घायल हो गए। एक बार फिर यूक्रेन ने सेवास्तोपोल पर हमला कर रूस को भड़का दिया है। रूस ने यूक्रेन को चेतावनी देते हुए कहा कि क्रीमिया पर हमला रूस पर हमला है, इसका अंजाम गंभीर होगा। और अब नजर डालते हैं यूक्रेन ने रूस पर कब कब बड़े हमले किए हैं उन घटनाओं पर। तो रूस पर यूक्रेन का बड़ा प्रहार, जहां 23 जून क्रीमिया पर ATCMS मिसाइल अटैक, 17 मार्च 2024 क्रास्नोदर पर ड्रोन से अटैक किया और 24 जुलाई 2023 मॉस्को पर ड्रोन से अटैक, 29 अक्टूबर 2022 माकारोव वॉरशिप पर अटैक किया और 8 अक्टूबर 2022 को क्रीमिया के कर्च ब्रिज पर बड़ा हमला किया गया, 14 अप्रैल 2022 को मॉस्कोवा युद्धपोत पर अटैक किया गया और 9 से 10 अगस्त 2022 को साकी एयरबेस पर रूस के वॉर जेट्स पर हमला किया गया। तो देखिए एक के बाद एक वो बड़े हमले हम आपको बता रहे हैं किस तरह से रूस को डैमेज करने के लिए बड़ी कोशिशें यूक्रेन की तरफ से की गई हैं। मनीष झा हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े। मनीष, एक बात तो तय है कि एक कंसिस्टेंसी यूक्रेन की तरफ से भी नजर आ रही है कि रूस को बड़े हमले से बड़ा नुकसान पहुंचाया जाए और ये सिलसिला रुक नहीं रहा है, इन कोशिशों का सिलसिला कहीं से भी रुका नहीं है, भले ही रूस ने कितनी भी बढ़त हासिल की हो इस जंग में। देखिए ये बात तो सच है कि क्रीमिया हो या फिर दूसरे इलाके की बात करें, बेलगोरोद, कुर्स्क या ब्रियांस्क, इन सब इलाकों में यूक्रेन लगातार हमला कर रहा है और बहुत हद तक उसमें कामयाबी भी होती है। देर रात की भी हमले की बात करें तो क्रीमिया में जब मिसाइल से हमले किए गए सेवास्तोपोल के इलाके में, रूसी दावा यह है कि वहाँ पर एयर डिफेंस के जरिए उसको नाकाम कर दिया गया, लेकिन हकीकत यह भी है कि क्रीमिया के इलाके में तमाम एयर डिफेंस होने के बावजूद यूक्रेनी मिसाइल या यूक्रेन को दिए हुए अमेरिकी मिसाइल के जरिए वो सेवास्तोपोल के कई अहम ठिकानों को टारगेट करने में कामयाब होते हैं और यहीं पर रूसी एयर डिफेंस सिस्टम की जो कैपेबिलिटी है उस पर सवाल उठता है। लेकिन इसके बावजूद हाँ ये सच है कि यूक्रेन के लिए प्राइम टारगेट क्रीमिया रहता है और वो जियोपॉलिटिकली भी एक बड़ा मैसेज देने में कामयाब रहता है कि हम लगातार रूस को क्रीमिया में चुनौती दे रहे हैं। बिल्कुल मनीष, तो ये स्थिति तो लगातार बनी हुई है कि यूक्रेन रूस को बड़े नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता रहा है और एक तरफ यूक्रेन क्रीमिया पर हमले कर रूस को सख्त संदेश दे रहा है कि रूस को क्रीमिया हर हाल में छोड़ना होगा, दूसरी तरफ ज़ेलेंस्की पश्चिमी देशों से हथियार की गुहार लगा रहे हैं। ज़ेलेंस्की लगातार कह रहे हैं कि रूसी हथियारों के आगे हमारे हथियार नाकाम साबित हो रहे हैं। रूसी हथियारों के आगे ज़ेलेंस्की बेबस नजर आ रहे हैं। रूसी ग्लाइड बमों से बचने के लिए यूक्रेन के पास कोई विकल्प नहीं है और रूसी ग्लाइड बमों के आगे अमेरिकी हाईमार्स भी बेबस नजर आ रहे हैं। यूक्रेन के पास लंबी दूरी की मिसाइल की भारी कमी है और रूस हर महीने 3200 ग्लाइड बम से हमला कर रहा है, ये कहा है ज़ेलेंस्की। एक और बड़ी खबर इस बीच आ रही है, एक और जहां यूक्रेन क्रीमिया पर हमला कर रूस को टेंशन में ला चुका है तो वहीं दूसरी ओर अमेरिका ने फिनलैंड के साथ समझौता कर पुतिन को और परेशान कर दिया है। रूस को घेरने के लिए अमेरिका ने की है ये बड़ी तैयारी। रूसी सीमा के पास अमेरिकी सैनिक तैनात होंगे। फिनलैंड के 15 सैन्य बेस पर अमेरिकी सेना की तैनाती की जाएगी। तो देखिए अब अमेरिका भी रूस को टेंशन में डालने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहा है। अमेरिका अब एक बड़ी सैन्य तैनाती की योजना बना रहा है रूस को घेरने के लिए। अमेरिका ने यह तैयारी कर रखी है, रूसी सीमा के पास अमेरिकी सैनिकों की तैनाती की जाएगी।
जी हाँ, तो नेटो की जंगी तैयारी, रूस वर्सेस अमेरिका। रूस की दहलीज पर अमेरिकी सैनिक पहुंचे और नेटो देश में तैनात होंगे अमेरिकी सैनिक। नेटो देश फिनलैंड के साथ अमेरिका का करार है। अमेरिका ने फिनलैंड से 16 मिलिट्री बेस लिए। इन मिलिट्री बेसिस पर अमेरिकी सैनिकों की डिप्लॉयमेंट होगी, तैनाती होगी। इस मिलिट्री बेस से रूस को घेरेगा अमेरिका और फिनलैंड में अमेरिका घातक हथियारों की तैनाती करेगा। फिनलैंड की संसद ने रक्षा सहयोग के लिए यूएस को हरी झंडी दे दी है। देखिए, ये है यूएस की रणनीति रूस को टेंशन में डालने के लिए। मनीष जी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, ये तो पहले से हमें पता है कि अमेरिका बार बार रूस की मुश्किलें बढ़ाता है, लेकिन ये जो फिनलैंड के साथ समझौता हो रहा है, अब रूसी बॉर्डर पर भी अमेरिकी सैन्य तैनाती होगी, इसे लेकर के क्या जानकारी मिल रही है? क्या पुतिन अब चुप बैठेंगे या फिर अमेरिका को ठोस जवाब दिया जाएगा? देखिए, ये एक बड़ा डेवलपमेंट है जिसके तहत फिनलैंड के 15-16 जो बड़े मिलिट्री बेस हैं वहाँ अमेरिकी सैनिक तैनात होंगे या अमेरिका को उनका एक्सेस होगा, अपने हिसाब से वो उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप अहमियत देखें तो रूस और फिनलैंड का जो बॉर्डर जहाँ पर मिलता है या फिर सेंट पीटर्सबर्ग जैसे इलाके रूस के जो कि पुतिन का होम ग्राउंड होम सिटी भी है, वो फिनलैंड के तमाम सैन्य बेस से एकदम डायरेक्ट निशाने पर होंगे। इसलिए रूस पर दबाव बनेगा, इस बात की आशंका रूस को थी और इसीलिए क्रेमलिन ने कुछ दिनों पहले ही कहा था कि हमने सेंट पीटर्सबर्ग में अपनी तैयारी कर रखी है, क्योंकि उन्हें अंदेशा था कि अमेरिका और फिनलैंड के बीच होने वाले इस करार के बाद सेंट पीटर्सबर्ग और आसपास के इलाके काफी टारगेट पर रहेंगे और इसके लिए कुछ किया जाना चाहिए, तो रूस ने उसके हिसाब से तैयारी कर रखी है। हाँ, ये बात जरूर है कि इसकी वजह से रूस और नाटो का तनाव और अधिक बढ़ेगा। शुक्रिया मनीष आपका इस बातचीत के लिए। और देखिए, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर पीएम मोदी देंगे जवाब, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लोकसभा में शाम 4 बजे पीएम मोदी जवाब देंगे, विपक्ष के उठाए मुद्दों पर प्रधानमंत्री जवाब देंगे। तो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कल संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान केंद्र सरकार पर जमकर बरसे और राहुल गांधी का संसद में 90 मिनट का भाषण रहा। हिंदू, अग्निवीर समेत 20 मुद्दों पर बोले राहुल गांधी। राहुल गांधी के बयान पर सदन में काफी हंगामा हुआ। सत्ता पक्ष ने राहुल पर सदन को गुमराह करने का आरोप लगाया। तो देखिए, राहुल गांधी का संसद में 90 मिनट का भाषण रहा जिसमें हिंदू, नीट समेत 20 मुद्दे शामिल रहे। राहुल गांधी जमकर सत्ता पक्ष पर बरसे। राहुल गांधी ने अपने भाषण के दौरान कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा। वहीं सत्ता पक्ष ने राहुल पर सदन को गुमराह करने का आरोप लगाया। और राहुल के भाषण के कुछ हिस्सों को रिकॉर्ड से हटाया गया। हिंसक हिंदू वाले हिस्से को रिकॉर्ड से हटाया गया। अग्निवीर पीएमओ की योजना है उसको भी हटाया गया और अल्पसंख्यकों से अनुचित व्यवहार को भी हटाया गया। अडानी अंबानी वाले हिस्से को भी हटाया गया उनके भाषण से। नीट परीक्षा अमीरों के लिए जो शब्द इस्तेमाल किए गए उसको भी हटाया गया। आनंद कुमार पांडे हमारे साथ इस वक्त जुड़े। आनंद, ये सारे बयान या इन शब्दों को एक्सपंज किया गया है, हटाया गया है, क्या इसके कारण बताए गए? आनंद हमारे साथ जुड़ेंगे थोड़ी देर में। तो जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि राहुल गांधी के इस लंबे भाषण में से कुछ वाक्यों और कुछ शब्दों को हटाया गया है, जो कार्यवाही है लोकसभा की उससे आधिकारिक तौर पर, उसमें हिंदू वाली बात हो, अल्पसंख्यकों की बात हो, अग्निवीर पीएमओ की योजना है, ये सारे वाक्य हटाए गए। और अब आपको बताते हैं कि राहुल गांधी ने किन किन मुद्दों पर सरकार से सवाल किए हैं। राहुल गांधी ने 20 मुद्दों पर कुल सरकार को घेरा जिसमें हिंदू, अग्निवीर योजना, किसान, मणिपुर, नीट, बेरोजगारी, नोटबंदी, जीएसटी, एमएसपी, हिंसा, भय, धर्म, अयोध्या, गुजरात, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, प्रधानमंत्री, स्पीकर, ये सारे मुद्दे शामिल थे। कुल 20 मुद्दों पर 90 मिनट का भाषण संसद के भीतर राहुल गांधी ने दिया। और राहुल गांधी के बयान पर पीएम मोदी के साथ अमित शाह और राजनाथ सिंह ने जवाब दिया। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। इस देश में शायद इनको मालूम नहीं है, करोड़ों लोग अपने आप को गर्व से हिंदू कहते हैं।
सभी लोग हिंसा की बात करते हैं। मैं नेता प्रतिपक्ष से विनम्रता पूर्वक अनुरोध करना चाहता हूं कि कृपया वह सदन को गुमराह करने की कोशिश न करें। अग्निवीर योजना के संबंध में बहुत सारे लोगों से 158 ऑर्गेनाइजेशन के साथ सीधा संवाद स्थापित हुआ है, उनके सुझाव लिए गए हैं, तब यह अग्निवीर योजना लाई गई है। संसद सत्र के छठे दिन राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लोकसभा में 13 घंटे हंगामेदार चर्चा हुई। कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू होकर मध्य रात्रि 12 बजे तक चली। मणिपुर के कांग्रेस सांसद ने केंद्र सरकार पर किया वार। मणिपुर पर पीएम मोदी चुप क्यों, कांग्रेस सांसद बिमोल। संसद में भड़के कांग्रेस सांसद बिमोल। How is that 60,000 people were rendered homeless and villages in thousands were destroyed? And yet, our Prime Minister remained mute, not even a word. And the presidential address did not even mention that. Shame, 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 shame. And I said that this silence is not normal. बात कर रहे हो, टेलिंग हो सकता है। मैरी कॉम को हमने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया, भारतीय जनता पार्टी ने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया, हमने कैसे नहीं इज्जत दी मणिपुर को, मणिपुर को स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी दिया। और अगली बड़ी खबर है, दिल्ली हाई कोर्ट में केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती। केजरीवाल ने सीबीआई की गिरफ्तारी को हाई कोर्ट में चुनौती दी है। केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में आज होगी सुनवाई। सीबीआई के केस में हाई कोर्ट करेगा सुनवाई। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राउज एवेन्यू की विशेष अदालत के 26 जून के उस आदेश को चुनौती दी है जिसके तहत उनको 3 दिन के लिए सीबीआई रिमांड पर भेजा गया था। कोर्ट ने 29 जून को सीएम अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाला मामले में 12 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। दिल्ली शराब घोटाला मामला, जी हां, केजरीवाल से जो जुड़े मामले हैं अब तक क्या क्या हुआ जरा उस पर भी गौर कर लेते हैं। 21 मार्च 2024 ईडी ने केजरीवाल को घर से गिरफ्तार किया। 10 मई 2024 सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव प्रचार के लिए 21 दिन की जमानत दी। 17 मई 2024 ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में 8वीं चार्जशीट दाखिल की। केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का नाम इसमें शामिल। 2 जून 2024 अंतरिम जमानत खत्म होने पर तिहाड़ जेल में सरेंडर। 20 जून 2024 राउज एवेन्यू कोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत दी। और 25 जून 2024 हाई कोर्ट ने जमानत पर रोक लगा दी। 26 जून 2024 सीबीआई ने 3 दिन के लिए रिमांड पर लिया। 29 जून 2024 12 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेजे गए अरविंद केजरीवाल। आगे बढ़ते हैं, देश के कई हिस्सों में मॉनसून आने के बाद भारी बारिश हो रही है। तेज बारिश की वजह से कई राज्यों में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। गुजरात के जूनागढ़, सोनराख और कलोवो नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। गुजरात के केशोद में लगातार बारिश और नदियों का जलस्तर बढ़ने से तटबंध टूट रहे हैं। समुद्र की लहरों की तरह नदी का पानी गाँव में घुसने लगा है। बालागाम, जलावद और पजोद समेत कई गाँव सैलाब से जूझ रहे हैं। द्वारका के जाम देवलिया में लोग बाढ़ का सामना करने को मजबूर हैं। सड़कों का नामो निशान मिट गया है। घरों में पानी भरने से लोगों के कीमती सामान भी बर्बाद हो रहे हैं। मौसम विभाग ने 19 राज्यों में अगले 4 दिनों के लिए अलर्ट जारी किया है। और गुजरात में मॉनसून की दस्तक के बाद कई जिलों में भारी बारिश का दौर जारी है। अत्यधिक बारिश के कारण जूनागढ़ के लोगों को बाढ़ जैसे हालात का सामना करना पड़ा है। लोगों के घरों में पानी घुस गया है। लोगों को जीवन जीने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी है। मौसम विभाग ने सौराष्ट्र के 10 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही मछुआरों को समुद्र में न जाने की चेतावनी भी जारी की गई है। गुजरात के साथ ही असम में भी भारी बारिश के बाद बुरा हाल है। असम में ब्रह्मपुत्र नदी में जलस्तर बढ़ने से मोरीगांव जिले के कई गांव में बाढ़ के हालात बन गए हैं। गांव में लोगों के घरों में पानी घुसने लगा है। सड़क पर पानी आने की वजह से लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। वहीं बारबाडोस में तूफान में फंसी टीम इंडिया, आंधी और तूफान की वजह से एयरपोर्ट बंद। तूफान
हरिकेन ने जमकर तबाही मचाई। तो देखिए टीम इंडिया के घर आने, देश लौटने का इंतजार सभी को है, लेकिन मौसम की वजह से टीम इंडिया इस वक्त फंसी हुई है। बारबाडोस में तूफान की वजह से टीम इंडिया फंसी हुई है, आंधी और तूफान की वजह से एयरपोर्ट्स बंद हैं, और ऐसे में टीम इंडिया का निकलना अभी संभव नहीं हुआ है, इसलिए टीम इंडिया अभी वहीं पर मौजूद है। हरिकेन ने जमकर तबाही मचाई।